और सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे हैं, ई विधान प्रणाली की शुरुआत होने वाली है और यहां पर मौजूद हैं लोकसभा अध्यक्ष के साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्वागत किया, मुख्यमंत्री मौजूद हैं, संसदीय कार्य मंत्री सबसे वरिष्ठ विधायक बीजेपी के 9 बार के विधायक शाहजहांपुर से विधायक हैं डॉक्टर सुरेश खन्ना वो मौजूद हैं और एक अच्छी पहल, एक अलग पहल उत्तर प्रदेश में आज होने वाली है। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा तीसरा राज्य बन रहा है जहां ई विधान प्रणाली की शुरुआत होगी। सभी विधानसभा सदस्यों के डेस्क पर टैबलेट लगाए गए हैं और उसी के जरिए अब विधानसभा की कार्यवाही जो 23 मई से सत्र शुरू होने वाला है उस कार्यवाही में विधानसभा के सदस्य शामिल हो सकेंगे। दरअसल उसमें तमाम मैनुअल्स का जिक्र किया गया है और ये तस्वीरें देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शॉल उड़ाकर किया है और गुलदस्ता भेंट करके सतीश महाना विधानसभा के अध्यक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत किया है और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत करते हुए और यहां पर बातचीत का एक सिलसिला भी हमने देखा किस तरह से मुख्यमंत्री ने इशारा किया अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव ने फिर गुलदस्ता भेंट किया है और शॉल उड़ाकर अखिलेश यादव लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत करते हुए। इसके पहले अखिलेश यादव ने जब इस्तीफा दिया था लोकसभा अध्यक्ष को तब मुलाकात की, वो तस्वीरें सामने आई थी दोनों नेताओं के बीच मुलाकात और एक मोमेंटो भेंट किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष को। यूपी विधानसभा में एक नई पहल ई विधान प्रणाली की शुरुआत उत्तर प्रदेश विधानसभा में होने वाली है और इसके लिए बाकायदा प्रबोधन का कार्यक्रम है। अभी सदस्यों को संबोधित करेंगे लोकसभा अध्यक्ष और इसी के साथ इसकी शुरुआत होगी। डिजिटलाइजेशन कितना जरूरी है, खास करके कोविड काल में हमने देखा कि पेपर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कई बार एक दिक्कत वाला पहलू भी बन रहा था क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा पाबंदियां थी और अब जो डिजिटल कोशिश की जा रही है खास करके टैबलेट्स के जरिए, उसमें पूरा मैनुअल जो भी प्रस्ताव आते हैं, एक्ट अगर सरकार लेकर आती है उसका पूरा ब्यौरा जो है वो सदस्यों के टैबलेट में ही उपलब्ध होगा और आप देख सकते हैं किस तरह से सदस्य मौजूद हैं। स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री महोदय कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय, संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर सुरेश खन्ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत कर रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय और सदन में तमाम सदस्य मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 23 तारीख से बजट सत्र उत्तर प्रदेश विधानसभा का शुरू होने वाला है और ये बजट सत्र एक अलग कोशिश के साथ, एक अलग पहल के साथ कार्यवाही की सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी। सोशल मीडिया के जरिए तमाम लोग देख सकेंगे कि उनके विधायक, उनके क्षेत्र के प्रतिनिधि ने क्या सवाल पूछा या चुप्पी साधे रखी, क्या सवाल पूछने के मौके पर भी सवाल नहीं पूछा, तमाम चीजें जो हैं खुद अपने विधानसभा के लोग अपने विधायक को देख सकेंगे और सदस्यों की तरफ से क्या सार्थक चर्चा की जा रही नहीं की जा रही ये भी चीजें देखी जा सकेंगी। हालांकि अब तक इसका जो स्ट्रीमिंग का काम है वो डीडी के पास था, डीडी उत्तर प्रदेश की तरफ से, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश इसकी स्ट्रीमिंग करता था लेकिन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसको स्ट्रीम किया जाएगा। अब से कुछ ही क्षणों के पश्चात उत्तर प्रदेश की विधानसभा कागज रहित यानी पेपरलेस हो जाएगी और आज के बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा की कार्रवाई ई विधान के तहत पेपरलेस रूप में संचालित हुआ करेगी और आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि देश की सबसे बड़ी विधानसभा को मात्र 1 महीने के समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन और विधानसभा अध्यक्ष महोदय के निर्देशन में पेपरलेस बना दिया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डिजिटल इंडिया योजना के अंतर्गत मिशन मोड प्रोजेक्ट को मूर्त स्वरूप प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश की विधानसभा अब ई विधान से सुसज्जित हो रही है। अब मैं विधानसभा मंडप में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों के स्वागत के लिए माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री सतीश महाना जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। तो उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा मौका है, दशकों से जो कागज की प्रक्रिया चली आ रही थी आजादी के पहले भी आजादी के बाद भी, जब यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, एक अलग राज्य था तब भी उत्तर प्रदेश और उस समय भी विधानसभा थी, असेंबली थी यूपी के पास, तब भी कागज से काम हुआ करता था, अब भी कागज से काम होता रहा लेकिन अब ये तस्वीर बदल रही है, बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर, बदलते देश की तस्वीर। सुनिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना क्या कह रहे हैं। हम सबके सौभाग्य से इस कार्यक्रम में उपस्थित लोकसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी का मैं
हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हम सबके बीच में आकर हम सबका मार्गदर्शन करके और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करके हम सब लोगों को अनुग्रहित किया। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी प्रेरणा और आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पेपरलेस विधानसभा प्रारंभ हो, इसके लिए विगत डेढ़ महीने के अंतर्गत ही सारे का सारा स्वरूप बदलकर दिन रात उसकी मॉनिटरिंग करके आज जिस समय हम यहां पर एकत्र आए, 23 तारीख को जो विधानसभा सत्र प्रारंभ हो रहा है उसके पहले हम इसको पूरा कर सके, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्रीमान अखिलेश यादव जी का, जिनका सहयोग और सुझाव हमें हमेशा प्राप्त होता रहा, जिसके कारण इस काम को समय के ऊपर पूरा कर सके। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, सभी सम्मानित मंत्रीगण, सभी सम्मानित सदस्यगण, भाइयों और बहनों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के युग में यह आवश्यक है कि हम विधायी संस्थाओं को आधुनिक एवं डिजिटीकरण करने के लिए आगे बढ़े, जिससे एक नए कार्य प्रणाली में एक रूपता, पारदर्शिता एवं तकनीकी दक्षता के साथ विधानसभा का और समाज का विकास हो सके। खबरें लगातार जारी, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए न्यूज़ स्ट्रीट के साथ।